आकाश के अंदर जो है बहुत समय से एक विषय जो है वो चर्चा का बना हुआ है, ब्लैक होल के बारे में आपने सुना। उसके एरिया में कोई भी चीज आती है वो ब्लैक होल में समा जाती है, कहां चली जाती है, कहां दिखाई दे जाता है पता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से तीसरे खंड में है परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 6:12-13 पद के विषय में, और आपने देखा होगा हमने प्रकाशित वाक्य की जो 6 मोहर है उसके 3 खंड बनाए थे, या 3 भाग कह लीजिए हमने बनाए थे। पहला भाग था प्रकाशित वाक्य 6:12-13 पद तक, दूसरा भाग था प्रकाशित वाक्य 6 उसका 14 पद, और तीसरा भाग था प्रकाशित वाक्य 6:15-17 तक। तो अभी हम जो है प्रकाशित वाक्य 6:12-13 पद के भाग में है। जी हाँ, इसका क्योंकि हमने अभी इसके जो 2 पॉइंट है वो क्लियर किए हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 6:12-13 में अभी एक जो पॉइंट है वो रह गया है, प्रकाशित वाक्य 13 पद का जो है, 6:13 पद का जो है, परंतु मैं 12 और 13 पद फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। जब उसने 6 मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। जी हाँ, यहां पर जो है अब इस पॉइंट पे बात करेंगे कि आकाश के तारे जो है वो गिर पड़े। अब आकाश के तारे जो है वो कैसे गिर पड़े, ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी चलती हो और अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल जो है वो गिर पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब फल लगते हैं और कच्चे फल होते हैं और बड़ी आंधी या बहुत तेज हवा चलने लगे तो बहुत से जो कच्चे फल होते हैं वो उस आंधी से गिर पड़ते हैं। तो यहां पर जो गिरने वाली बात बताई गई है वो तारों के विषय में बताई गई है कि आकाश से तारे ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी चलने से जो है या बड़ी तेज हवा चलने से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं 13 नवंबर की, और 1833 में न्यूयॉर्क जर्नल ऑफ कॉमर्स नवंबर 14, 1833 ईस्वी Volume 8, Number 534 में जो है इस बारे में लिखा हुआ है कि ये घटना जो है लिखित रूप से है। अब ये घटना क्या है मैं आपको फिर बता रहा हूं कि क्या घटना है, कि लगभग सुबह 3 बजे के समय पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी संख्या में तारे जो थे वो गिरने लगे थे। बड़ी संख्या में तारे गिर रहे थे और बहुत रोशन हो गया था, बहुत रोशनी चमक रही थी और सब लोग जो थे उसको देख रहे थे और बड़ा लोगों को डर भी लगा और लोगों ने सोचा कि लगता है कि दुनिया का अंत जो है वो आ चुका है। ये जो है आप वहां पर पढ़ सकते हैं और किस तरीके से लिखा है। 23 नवंबर 1833 में अमेरिका का जो ऐतिहासिक समाचार पत्र है उसके माध्यम से भी एक्सेस किया गया था। मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि वहां पर तारे गिरने का मतलब यह नहीं होता है कि 6 मोहर पूरी हो गई। मैं फिर आपको बता रहा हूं, देखिए अभी सूर्य कमल के समान काला नहीं हुआ, पिछले संदेश में हमने देखा चंद्रमा लहू के समान लाल नहीं हुआ, वो हमने नहीं देखा, यानी चंद्रमा जो है उसने अपना प्रकाश नहीं छोड़ा। और ये जो सारी चीजें हैं ये हमें ध्यान करने की बात है कि 13 नवंबर 1833 की बात चल रही है वो जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है। ये तारों का गिरना जो है ये बहुत समय से चलता चला आ रहा है, कहीं पे थोड़े गिरते हैं कहीं पे बहुत गिरते हैं। जब तारे अपना स्थान बदलते हैं तब भी हम लोग ये कहते हैं कि देखो एक तारा जो है वो टूटा है, टूटकर गिर पड़ा है, कहां पर गिर पड़ा नहीं पता। परंतु जब हमने तारों के बारे में पिछले संदेश में हमने बहुत से रेफरेंस को पढ़ा था, जैसा यशाया 13:10 में हमने पढ़ा था, योएल 2:10 में, योएल 3:15 उसके 15वें पद में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सूर्य के साथ साथ चांद के साथ साथ तारों का भी प्रकाश जाता रहा।
तारों का भी जो प्रकाश जो है वो खत्म हो गया, तारों ने भी चमकना जो है वो बंद कर दिया। परंतु यहां पर जो बात हम कर रहे हैं, तारों के चमकने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तारों ने झलकना बंद कर दिया इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तारों के गिरने की बात कर रहे हैं। क्योंकि छठी मोहर के अंदर जो है यूहन्ना इस बात को देख रहा है कि इस पृथ्वी पर जो घटना घटित होने वाली है, देखिए घटना वो कहां दिखाई दे रही है उसे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के किसी एक कोने पर नहीं दिखाई दे रही है, वो पूरी पृथ्वी पर दिखाई दे रही है। और कैसे ये घटना घटित होने वाली है ये आने वाला समय बताएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आने वाला समय बताएगा कि तारे जो हैं वो कैसे गिर पड़ेंगे। फिर हमने देखा था पिछले संदेश में लूका 21 और उसके 25 पद में कि सूर्य और चंद्रमा में तो चिन्ह दिखाई देंगे, परंतु इसके साथ साथ तारों में भी चिन्ह दिखाई देंगे। और वो चिन्ह जो है वो इस बात का को प्रकट करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो है या पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर जो है बहुत बड़ी मुसीबत जो है, बहुत बड़ा संकट जो है वो आने वाला है। जी हाँ, आप लूका 21 को 21 का 25 से जब आप पढ़ेंगे, सूरज और चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुन्द्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। जी यहां पर जो है परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है कि किस तरीके से तारों में दो चीजें होंगी, एक तो उनका गिरना, बहुत बड़ी संख्या में वो गिरेंगे, और पृथ्वी पर सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों पर गिरेंगे या पूरी पृथ्वी पर गिर सकते हैं, ये परमेश्वर जानता है। मगर तारों का गिरना जो है वो सब जगह होगा और एक इतिहास जो है वो बनेगा जब वो गिरेंगे, और लोग देखेंगे, लोगों में भय आएगा क्योंकि संकट होगा कि वो कहां गिरेंगे, कैसे गिर सकते हैं। और दूसरी चीज, तारों के गिरने के साथ साथ जो दिखाई देगा कि तारों के अंदर भी चिन्ह दिखाई देंगे, ये नहीं कि सिर्फ सूर्य के अंदर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि सूर्य के अंदर की जो गैस है वो कैसे उठ रही है, किस तरीके से सूर्य जो है उसकी गैस में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, या चांद के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, या उसके मौसम में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, या सूर्य के आसपास का क्षेत्र और ज्यादा कितना गर्म होता चला जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप तारों के विषय में भी देखेंगे कि तारों के विषय में भी जो चिन्ह दिखाई देंगे, जो बातें दिखाई देंगी, वो इस पृथ्वी पर संकट को प्रकट करेंगे। तो ये था प्रकाशित वाक्य 6:12-13 का जो पहला भाग था या पहला पॉइंट था, उसको हमने क्लियर करा। अब हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 6 उसका 14 पद यानी दूसरा भाग। अब दूसरे भाग के विषय में हम जो है इस पद को पहले पढ़ लेते हैं। आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अब देखिए यहां पर जो है दो चीजें हैं, आकाश का सरक जाना, हर एक पहाड़ और टापू का टल जाना यानी गैब हो जाना। इस चीज को जरा समझ लें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम समझे। पहला कि आकाश ऐसे सरक जाएगा, देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हम कोई लेटर या पत्र नहीं लपेटते हैं या कागज नहीं लपेटते हैं, रोल कर लेते हैं, आकाश जो है ऐसे रोल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आकाश रोल कैसे होगा, कहां चला जाएगा, इतना बड़ा आकाश, इतना नीला जो आसमान आप देखते हैं, आप जो आकाश देख रहे हैं, जिसका मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं कि उसकी नापतौल आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं करी होगी कि आकाश की लंबाई चौड़ाई क्या है, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई नाप ली, ग्रहों की लंबाई चौड़ाई नाप ली है, बहुत से तारों की लंबाई चौड़ाई नाप ली है, परंतु आकाश की लंबाई चौड़ाई जो है वो नापी नहीं गई है। परंतु वो चला कहां जाएगा, सरक कहां जाएगा, बड़ा ध्यान करना, परमेश्वर ने हर एक चीज का इंतजाम करके रखा हुआ है। जहां तक अगर समझने की बात है या सोचने की बात है, आकाश के अंदर जो है बहुत समय से एक विषय जो है वो चर्चा का बना हुआ है, ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा। कहते हैं ब्लैक होल के आसपास का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इतना शक्तिशाली है कि उसके एरिया में कोई भी चीज आती है वो ब्लैक होल में समा जाती है, कहां चली जाती है, कहां दिखाई दे जाता है पता नहीं चलता है, समाप्त हो जाता है, चला जाता है, गैब हो जाता है, किसी भी वैज्ञानिक को आज तक पता नहीं चला कि उसके अंदर क्या है और कहां तक गया, कोई पहुंच नहीं पाया और किसी ने भी उसका वर्णन जो है उसके अंदर का वर्णन नहीं किया है। अभी आप ये सोचिए
कि ब्लैक होल के अंदर वो पूरा आकाश समा सकता है, जा सकता है, तारेगण जा सकते हैं, सूर्य जा सकता है, गैब हो सकता है, एकाएक चीजें जो हैं उसके अंदर। क्यों ब्लैक होल के अंदर ये सारी चीजें? जहां तक लगता है कि परमेश्वर ने बहुत से इंतजाम आने वाले समय के लिए, आने वाले संकट को या अपने वचन को पूरा करने के लिए निर्धारित कर रखे हैं, और इसलिए इन चीजों को जानना और समझना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। जैसे यशाया 34 और उसके 4 पद में क्या लिखा, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा और दाखलता और अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। यानी आकाश के सारे गण जो है धुंधले होकर जाते रहेंगे, कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा, कहां चले गए। और ये जो है बड़ी भयंकर बात होगी जब आकाश भी नहीं रहेगा, चांद और सूरज भी नहीं रहेंगे, तारे भी नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा। अब यहां पर जो है दूसरा जो पॉइंट है, यहां पर टापू की बात है। टापू या द्वीप उपमहाद्वीपीय भूमि का वो टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है। दुनिया में लगभग 9,00,000 द्वीप यानी टापू हैं। दुनिया में समुद्री द्वीपों की संख्या लगभग 2,00,000 से अधिक होने का अनुमान है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो है जब छठी मोहर को खुलता हुआ देखता है तो उसमें घटनाओं को देख रहा है और उन घटनाओं को के बारे में एक एक करके वो वर्णन करता है। अब यहां पर जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का जो दूसरा भाग है यानी 14वां पद है, वो आकाश को कागज के समान सरकता हुआ लपेटा हुआ देख रहा है, गैब होता हुआ देख रहा है, और कहां गया ये नहीं पता चला, मगर वो आकाश जो है सरक गया, समाप्त हो गया। परंतु उसके साथ साथ में हर एक पहाड़ और टापू को भी वो क्या देख रहा है, वो गैब होता हुआ देख रहा है, यानी अपने अपने स्थान से टल गए, कहां चले गए कुछ नहीं पता। हो सकता है कि समुद्र का पानी इतना भर जाए कि वो सारे उसके अंदर समा जाए और दिखाई देना बंद कर दे सारे टापू। आज बहुत से टापू जो हैं बहुत अच्छे अच्छे सजे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत से जो पैसे वाले लोग हैं वो वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने जाते हैं। मतलब सोचिए एकाएक जो है वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, फिर क्या होगा। और फिर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 16 और उसके 20 पद को पढ़ रहा हूं, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का भी क्या है पता ना चला। देखिए यहां पर क्या है, प्रकाशित वाक्य 16 के 20 में जब यहां पर जो है 7वां सरदूत है, यहां लिखा हुआ 7वें सरदूत के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के 7वें प्रकोप के कटोरे को जब उंडेला गया तब वह टापू क्या हुए, टापू और पहाड़ क्या हुए, सब नष्ट हो गए, सारी चीजें नष्ट हो गई। अब ध्यान दीजिएगा प्रकाशित वाक्य जो है उसका 6ठा अध्याय का जो है 6ठी मोहर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, और 6ठी मोहर के बारे में जो है जो दूसरा भाग है यानी आकाश का सरक जाना यह अभी नहीं हुआ है, टापुओं का और पहाड़ों का टल जाना यह अभी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस बात का वर्णन करती है कि 6ठी मोहर खुल तो चुकी है परंतु पूरी अभी नहीं हुई है। उसका समय अभी कब पूरा होगा, उसका समय अभी बाकी है, और कब होगा, किस समय होगा ये प्रभु जानता है, प्रभु के अलावा कोई नहीं जानता कि वो किस समय इन घटनाओं को इस पृथ्वी के ऊपर घटित करेगा। चलिए हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 15 से 17 पद तक के बारे में बात करेंगे, यानी तीसरे भाग के बारे में बात करेंगे इस 6ठी मोहर के, 6ठी मोहर का जो तीसरा भाग है इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहां पढ़ लेते हैं एक बार प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 15 से 17 पद तक। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। अब ध्यान देने की बात है, अब यहां पर जो है परमेश्वर का क्रोध जो है वो प्रकट होने जा रहा है। अब परमेश्वर के क्रोध के आगे कौन टिक सकता है, कौन ठहर सकता है। अब यहां पर जो है जितने भी लोग हैं पृथ्वी के लोग,
अब वो जो है जितने भी, अब यहां पर क्या दिया गया है, मैं जरा पृथ्वी के लोगों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो राजा लोग हैं, हैं अब राजा, पृथ्वी के राजा उनको कहेंगे, जो सबसे पहला नागरिक कौन होता है देश का, किसी भी देश का सबसे पहला राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति है यानी वो, उसको राजा कहा गया है आज के समय में। नहीं तो पहले के समय में राजा होते थे, वो प्रत्येक देश के राष्ट्रपति या प्रत्येक देश के राजा जो हैं वो, उनके बारे में बात है। फिर प्रधान यानी प्रत्येक देश के जो अधिकारी हैं उनकी बात हो रही है। सरदार यानी रूलर जो है, प्रत्येक प्रत्येक देश के जो शासक हैं, जो शासन करते हैं उनके बारे में। धनवान यानी प्रत्येक देश के जो बहुत अमीर और रईस लोग हैं उनके बारे में। सामर्थी अर्थात प्रत्येक देश के ताकतवर लोग जो हैं। और फिर लिखा हुआ है हर एक दास यानी प्रत्येक देश के छोटे बड़े सभी कर्मचारी, सरकारी या गैर सरकारी, सभी जो हैं इस बारे में परमेश्वर के क्रोध के सामने जब खड़े होंगे तो क्या कहेंगे। और लिखा हर एक स्वतंत्र अर्थात प्रत्येक आम व्यक्ति जो है वो क्या कहेंगे, पहाड़ों से कहेंगे और पहाड़ों की खो में चले जाएंगे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे और पहाड़ों से कहेंगे, उनसे कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, हमें उस मेमने के प्रकोप से यानी परमेश्वर के उस कोप से हमें बचा लो, क्योंकि अब जो है कोई इसके उसके क्रोध के सामने ठहर नहीं सकता। देखिए 17वें पद में क्या लिखा, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है, अब कौन ठहर सकता है। वो कहेंगे कि हमें उसके मुंह से छुपा लो जो सिंहासन पर बैठा है, उस मेमने के, उस परमेश्वर से जो है, उसके क्रोध से, मेमने के क्रोध से जो है अब हमें बचा लो, छुपा लो, उसके मुंह से हमें छुपा लो, कहीं हमें बचा लो किसी भी तरीके से। आप किससे कह रहे हैं, पहाड़ों की खो में छुप जा रहे हैं, पहाड़ों में छुप जा रहे हैं, पहाड़ों से कह रहे हैं, पहाड़ियों से कह रहे हैं हम पर गिर पड़ो, हमें उस मुसीबत से बचा लो। सोचिए यानी अपने ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों को और पहाड़ियों को गिराने के लिए जो है वो किससे, पहाड़ों से वो विनती कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से हमें नाश कर दो, परंतु उसके क्रोध से हमें बचा लो, क्योंकि अब उससे क्रोध से ठहर नहीं सकते। जब ऐसी स्थिति है और हमारे पास ये परमेश्वर का वचन है और हम जानते हैं कि परमेश्वर के क्रोध का सामना हम नहीं कर पाएंगे, तो क्यों हम परमेश्वर के क्रोध को अभी कमा रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बचना चाहते हैं। और बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और परमेश्वर के आने वाले क्रोध से जो है हम बच जाएं। और कैसे बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा अपने हाथ में लेकर उनके माथों पर जो है अपनी मोहर लगाएगा, और जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी वो उस कलेश से, उन परेशानियों से बच जाएंगे। और परमेश्वर जो है ये मोहर लगाने का काम शुरू है, इसलिए छठी मोहर खुली नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा था क्योंकि आने वाले जो मेरे वीडियो होंगे उसके अंदर ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल अभी नहीं कर रहा हूं, मगर हिंट्स दिया है मैंने आपको। परमेश्वर की मोहर जो है, छठी मोहर जो है वो खुल तो चुकी है, मैं कई बार कह चुका हूं कि परमेश्वर की मोहर जो है वो खुल चुकी है, परंतु अभी पूरी ना होने का कारण सिर्फ यही है कि परमेश्वर अपने लोगों के माथे पर जो है अपनी मोहर लगा रहा है, ताकि जब वो विपत्ति आए छठी मोहर पूरी खुलने पर तो उस विपत्ति से वो बच जाए। परमेश्वर अपने लोगों के माथे पर मोहर लगा रहा है इससे पहले उन मुसीबतों को डाले, इससे पहले वो भयंकर मुसीबतें आए, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है। तो आप भी उस सुरक्षा के इंतजाम में शामिल हो जाइए, पश्चाताप कीजिए, उन पापों से, उन बुराइयों से दूर होकर परमेश्वर के संरक्षण में आ जाइए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए, और ताकि आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगे और उस आने वाली विपत्तियों से हम सब बच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।